वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम 30 सितंबर टू 6 अक्टूबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्रूज भारत मिशन जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। देन फास्ट स्फेरिकल टेलीस्कोप जो कि चाइना की एक टेलीस्कोप है जिसका एरिया ऑलमोस्ट 30 लार्ज फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। देन रिसेंटली 5 न्यू लैंग्वेजेस को मिला है क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस, जिसमें मराठी, असमीस, बंगाली, पाली एंड प्रकृत हैं। तो इसी के साथ साथ इंडिया में अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। देन एक्सरसाइज काजिन 2024 जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो हो रही है उत्तराखंड में। देन 70th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल? सो किसने जीता है शूटिंग में जूनियर 25 मीटर पिस्टल का गोल्ड मेडल? तो ये जीता है दिव्यांशी ने। सो इंडिया की दिव्यांशी ने ब्रिलियंटली परफॉर्म किया और जीता गोल्ड मेडल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में। सो ये इवेंट कहाँ हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है लीमा पेरू में। सो फर्स्ट फैक्ट तो हमें यही याद रखना है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 ये इवेंट हो रहा है लीमा पेरू, जो कि साउथ अमेरिका के कंट्री है, और इस टाइम पे इंडिया टॉप पे है। सो इंडिया 21 मेडल्स के साथ इस वर्ल्ड कप में टॉप पे है। तो दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। एक्सरसाइज काजिद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो एज हमने थंबनेल में पढ़ा कि एक्सरसाइज काजिद इंडिया और कजाकिस्तान की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज काजिन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एवरी ईयर, ये हर साल होती है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, और ये 8th एडिशन होगा 2024 का। ये 8th एडिशन है जो कि उत्तराखंड के औली में हो रहा है, उत्तराखंड के औली जिले में ये हो रहा है एट सूर्य फॉरन ट्रेडिंग नोट। तो एक बार ये कजाकिस्तान में होता है और एक बार ये इंडिया में होता है। सो लास्ट ईयर ये कजाकिस्तान में हुआ था और इस साल ये इंडिया में हो रहा है फ्रॉम 30th सितंबर टू 13th ऑफ अक्टूबर। Which actor was recently honored with 70th Dada Saheb Phalke Award 2024? So Prime Minister ने ये recently ही announce किया था कि 70th Dada Saheb Phalke Award मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। ये रहे मिथुन चक्रवर्ती। So veteran actor मिथुन चक्रवर्ती will be honored with Dada Saheb Phalke Award for his cutting edge contribution to Indian cinema. So मिथुन चक्रवर्ती को ये award मिलेगा on October 8th at 70th National Film Award Ceremony. सो हमने अगस्त के करंट अफेयर्स में ये अवार्ड डिस्कस किए थे। सो ये अवार्ड्स नेशनल फिल्म अवार्ड्स अगस्त में अनाउंस हुए थे। हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सो हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024? सो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया जाना है? और ये दिया जाएगा ऋषभ शेट्टी को फॉर फिल्म कंतारा। तो ये हमने अगस्त के करंट अफेयर में पूरा डिस्कस किया था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा ऋषभ शेट्टी को फॉर हिज फिल्म कंतारा, जिसकी ट्रांसलेशन है एज मिस्टिकल फॉरेस्ट, और ये 2022 की एक इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन फिल्म है। सो कौन सी लैंग्वेज में ये फिल्म थी? कन्नड़ा लैंग्वेज में, और इसको डायरेक्ट भी ऋषभ शेट्टी ने किया था। सो ऋषभ शेट्टी ने इसके डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। इसी के साथ साथ हमें बाकी अवार्ड्स का भी बताना चाहिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा निथ्या मेनन फॉर तिरुचित्रीबलम एंड मानसी पारेख फॉर कच्छ एक्सप्रेस। सो ज्वाइंटली दो लोगों को मिलेगा बेस्ट एक्ट्रेस एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स, निथ्या मेनन एंड मानसी पारेख। देन बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलेगा आटम, जो कि एक मलयालम मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलेगा सूरज बरजातिया को फॉर ऊंचाई, जिसमें अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर ने एक्ट किया था। देन बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल ये मिलेगा अरिजीत सिंह को फॉर ब्रह्मास्त्र, जो कि रणबीर कपूर की एक मूवी थी, रणबीर कपूर आलिया भट्ट। देन बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिलेगा बॉम्बे जयश्री को फॉर सऊदी विलक्का। सो ये सारे अवार्ड दिए जाएंगे ऑन 8th ऑफ अक्टूबर एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी, जो कि न्यू दिल्ली में होगी। वेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 30th ऑफ सितंबर। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सितंबर 30th to celebrate the work of translators and language professionals around the world. अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में जाते हैं,
इटली में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो उनके साथ भी एक ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोफेशनल जरूर होता है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देता है. सो दिस डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1991 बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स. तो ये भी याद रखना है कि ये दिन पहली बार 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर. हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज. सो आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी? ये बनी है आरती सरीन. तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, जिसे डीजी एएफएमएस भी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज. तो हमें याद रखना है आरती सरीन वाइस एडमिरल. वेर इज आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? सो रिसेंटली इंडिया का भी मैच हुआ था, तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है दुबई में, यूएई में. सो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 है, यूएई में हो रहा है और ये 9th एडिशन है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का. सो अभी इसके मैचेस हो रहे हैं, जब ये इसका सेमीफाइनल फाइनल हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से दोबारा डिस्कस करेंगे कौन जीता, मैन ऑफ द मैच कौन था, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था. इसमें टोटल 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है और दो ग्रुप्स में ये मैच हो रहे हैं, ग्रुप ए में 5 टीम्स एंड ग्रुप बी में 5 5 टीम्स एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे. द 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सलेंस विल बी बेस्टॉर्ड ऑन. सो 2024 का शस्त्र रामानुजन प्राइज जो कि मैथमेटिक्स को ऑनर करता है, वो दिया जाएगा अलेक्सेंडर डून को. सो ये प्राइज 2005 में इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, जिस शॉर्ट में शस्त्र कहा जाता है. दिस अवार्ड सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस टू ऑनर रामानुजन्स लेगेसी, जो मैथ के लेजेंड थे मैथमेटिक्स के रामानुजन, उनको ऑनर करने के लिए एंड टू इनकरेज यंग मैथमेटिशियंस, और यंग मैथमेटिशियंस को इनकरेज करने के लिए फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ये अवार्ड दिया जाता है. और 2024 का अवार्ड दिया जाएगा अलेक्जेंडर डन को ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस. सो जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स के अलेक्जेंडर डन को ये अवार्ड दिया जाएगा. विच स्टेट इज सेट टू सेलिब्रेट द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल मार्किंग इट्स सिल्वर जुबली? सो कौन सी स्टेट में 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि सिल्वर जुबली होगी? सो दिस इज नागालैंड. सो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में. द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन नागालैंड इज सेट टू सेलिब्रेट द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि सिल्वर जुबली होगी फ्रॉम दिसंबर 1 टू दिसंबर 10 एट द हेरिटेज विलेज इन किसामा. और ये फेस्टिवल नेम किया गया आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड. सो ये भी हमें याद रखना है कि कौन से बर्ड पे है, हॉर्नबिल बर्ड पे ये फेस्टिवल नेम किया जाता है, विच इज डीपली रिस्पेक्टेड इन द स्टेट एंड फीचर्स प्रोमिनेंटली इन नागा फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स. रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्फ्रल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस टू हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो कितनी न्यू लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला है रिसेंटली? तो ये मिला है 5. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली कैबिनेट को चेयर किया था जिसमें 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है, जिसमें से मराठी, बंगाली, असमीस, पाली एंड प्राकृत. तो ये 5ों लैंग्वेजेस हमें याद होनी चाहिए. इससे पहले इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो ये भी हमें याद रखना है कि टोटल अब 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं इंडिया में, जिसमें 5 नई हैं, मराठी, बंगाली, असमीस, पाली एंड प्राकृत. सो क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया के रूल्स होते हैं, 21 रूल के तहत इनको ये स्टेटस देते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज शुड बी ओल्ड एंड सेल्फ मेड. सो लैंग्वेज अपने तरफ से ही बनी हो, किसी और लैंग्वेज से डिराइव नहीं होनी चाहिए. इट शुड हैव बीन स्पोकन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट अ ब्रेक डाउन. इट शुड हैव अ लिटरेचर ऑफ इट्स ऑन एंड इट शुड सर्वाइव बाय इटसेल्फ. सो दीज आर द रूल्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं. सो अब इंडिया में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, जिसमें से 6 पुरानी हैं, तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ा 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड ओडिया 2014. सो हम देख सकते हैं लास्ट टाइम 2014 के बाद 10 साल बाद किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला. 2024 में मराठी, बंगाली, असमीस, पाली एंड प्राकृत. तो ये 11 की 11 लैंग्वेजेस हमें याद होनी चाहिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया, मराठी, बंगाली, असमीस, पाली एंड प्राकृत. विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? सो सबसे पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो इंडिया इसे होस्ट करेगी.
सो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया. इंडिया हैज बीन चूजन टू होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025 विच विल ब्रिंग टुगेदर 24 कंट्रीज फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स. सो 6 कॉन्टिनेंट से टोटल 24 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें 16 मेंस टीम होगी एंड 16 वुमेन्स टीम होगी. सो खो खो वर्ल्ड कप हमें याद रखना है इंडिया में होगा और 16 मेंस टीम एंड 16 वुमेन्स टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी. लेक प्रेस्पा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट. सो ये लेक बहुत न्यूज में रहा है लेक प्रेस्पा, और किस वजह से न्यूज में रहा है हम बाद में देखेंगे. तो पहले इसका आंसर देखते हैं कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट में. सो लेक प्रेस्पा हमें याद रखना है, ये रहा लेक प्रेस्पा. और ये इसलिए न्यूज में था बिकॉज एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला कि 430 ऑफ द 450 हेक्टेयर्स ऑफ द अल्बेनियास लिटिल प्रेस्पा लेक. तो कौन सी कंट्री में है, अल्बेनिया. तो ये भी हमें याद रखना है, ये लेक है अल्बेनिया में. इसका ज्यादातर हिस्सा स्वैम्प बन चुका है, ड्राइड अप हो चुका है. सो हम देख सकते हैं 430 हेक्टेयर आउट ऑफ 450 हेक्टेयर या तो स्वैम्प में हो चुका है या फिर ड्राई अप हो चुका है. एंड दिस इज वन ऑफ द यूरोप्स ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 जियोलॉजिकल मासेस, ग्रेनाइट, कार्स्टिक एंड सुवा गोरा. तो सारे फैक्टर में याद रखने हैं कौन सी कॉन्टिनेंट में है, कौन सी कंट्री में है, और ये यूरोप का ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट टेक्टोनिक लेक में से एक लेक है. 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो इसको शॉर्ट में बोलते हैं फास्ट स्फेरिकल टेलीस्कोप, कहाँ है, ये है चाइना में. सो चाइना हैज बिगिन द सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंडिंग द 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे फास्ट टेलीस्कोप भी कहा जाता है. और ये चाइना के गुजू प्रोविंस में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर है 500 मीटर्स और इसका एरिया इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 30 फुटबॉल फील्ड्स. सो हम देख सकते हैं कितना बड़ा होगा, 30 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इस टेलीस्कोप का एरिया है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज चाइनास फास्ट स्फेरिकल टेलीस्कोप. विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ द मारबर्ग वायरस. सो कौन सी अफ्रीकन कंट्री ने रिसेंटली मारबर्ग वायरस का आउटब्रेक रिपोर्ट किया, तो ये रिपोर्ट किया है रवांडा ने. सो ये मारबर्ग वायरस कुछ ऐसा दिखता है, ये एक रेयर बट सिवियर हेमोग्राफिक फीवर अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स. और ये मारबर्ग वायरस से कॉज होता है, इसको शॉर्ट में MVD कहा जाता है, मारबर्ग वायरस डिसीज. और सिमिलर होता है इबोला वायरस से, बोथ फ्रॉम द फिलोविराडे फैमिली. और ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था 1961 में इन मारबर्ग जर्मनी, जिससे इसका नाम पड़ा है. सो इसका नाम पड़ा है मारबर्ग जर्मनी, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था, इसलिए इसको मारबर्ग वायरस डिसीज भी कहा जाता है. रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेटिंग. सो इंडिया की फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ इनोग्रेट हुई है, तो ये इनोग्रेट हुई है कन्नूर केरला में, यानी केरला के CM पिनरी विजयन. सो ये प्लांट इसरो की कोलेबोरेशन के साथ डेवलप हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 42 करोड़ रुपीज, और ये बूस्ट करेगा केरला की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, स्पोर्टिंग सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. सो क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन. सो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है ऑन 30th of September इन मुंबई महाराष्ट्र. तो ये हमें याद रखना है कि ये कहाँ लॉन्च हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में. और दिस मिशन एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म एंड टॉप क्रूज डेस्टिनेशन, कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है क्रूज टूरिज्म के लिए एंड टॉप क्रूज डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए. सो दिस वॉज द नेम ऑफ द मिशन, क्रूज भारत मिशन. So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.